आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं देश का लोकप्रिय चैनल प्राइम टीवी। तो निकाय चुनाव की लड़ाई अब एक रोमांचक मोड में पहुंच चुकी है, क्योंकि दूसरे चरण के लिए जो जनता है वो सुबह 7 बजे से अपने मताधिकार का इस्तेमाल करती हुई नजर आ रही है, जिसकी पल पल की अपडेट और हर एक सटीक जानकारी प्राइम टीवी के माध्यम से हम लगातार आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो सुबह 7 बजे से जो जनता है वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रही है, तो तकरीबन 4 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है और लगातार जो जनता है वो अपने वोट का इस्तेमाल करती हुई दिखाई दे रही है। तो आपको बताते चले कि निकाय चुनाव की दूसरे चरण की जंग जारी है, तो वही अलीगढ़ में मतदान करने आई महिला बेहोश हुई। तेज गर्मी की वजह से नाक से आया खून, वोटरों में हड़कंप मच गया है। तो मतदान स्थल पहुंची एक महिला गर्मी की वजह से बेहोश हो गई है, स्थानीय लोगों ने महिला को संभाला। भोजपुरा के बिहारी इंटर कॉलेज का ये पूरा मामला बताया जा रहा है और आप इन तस्वीरों के जरिए अंदाजा लगा सकते हैं कि जो प्रशासन है उनके द्वारा कोई भी मतदान स्थल पर पानी तक की व्यवस्था नहीं की गई है, जिसके बाद मतदान करने आई एक महिला तेज गर्मी की वजह से उसके नाक से खून आता है और वो बेहोश हो जाती है, जिसके बाद वोटर्स में हड़कंप तक मच जाता है। डालने आए सर, वोट डालने आएंगे, तबीयत ज्यादा खराब है, बहुत तबीयत खराब है इनकी। तो यहाँ पर आपको व्हील चेयर की व्यवस्था मिली या नहीं मिली? नहीं, नहीं कुछ नहीं मिला। तो आप इनको कैसे लेके आए हैं? हम अपनी बाइक पर लेके आए हैं। यहाँ पर इसे वोट डालने के अंदर तो कोई भी व्हील चेयर की कोई व्यवस्था नहीं थी? नहीं कुछ भी नहीं। क्या परेशानी का सामना करना पड़ा आपको? इनको परेशानी है टीवी की शिकायत है, यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है, मरीजों की नहीं है, यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है। कौन से थाने का मामला, कौन सी जगह आए हैं आप? थाना तो क्या लगता है तुम्हारा, कोतवाली। जगह क्या है? जगह वो जाटा बिस्कुल। वोट डालने आए सर, वोट डालने आए, इनकी तबीयत ज्यादा खराब है, बहुत तबीयत खराब है इनकी। तो यहाँ पर आपको व्हील चेयर। अलीगढ़ में मतदान करने आई महिला भी बेहोश हो गई है, तो तेज गर्मी की वजह से नाक से खून आता है और महिला बेहोश हो जाती है, जिसके बाद वोटर्स में हड़कंप तक मच जाता है। तो इन तस्वीरों से हम यह अंदाजा भी लगा सकते हैं कि जो प्रशासन है उनके द्वारा व्यवस्थाएं तक दुरुस्त नहीं की गई है, यही वजह है कि अलीगढ़ की तस्वीरें आपने देखी कि जो वोटर्स है वो मतदान की लाइन में लगे लगे बेहोश हो रहे हैं, क्योंकि भीषण गर्मी की वजह से न प्रशासन द्वारा मतदान केंद्रों के बाहर पानी की समुचित व्यवस्था की गई है और लगातार लोग गर्मी की वजह से बेहोश भी हो रहे हैं, और लगातार 7 बजे से जो जनता है वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रही है और मतदान केंद्रों के बाहर लोगों की लंबी कतारें देखने को मिल रही है, क्योंकि ये लड़ाई अब बेहद दिलचस्प हो चुकी है, क्योंकि शहर की सरकार बनाने के लिए अब जनता को 5 साल बाद एक बार फिर से मौका मिला है, यही वजह है कि जो जनता है वो सुबह 7 बजे से अपने वोट का इस्तेमाल कर रही है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं नितेश। जिस तरीके से अलीगढ़ की ये तस्वीरें सामने आई है कि लोग लाइन में लगे लगे बेहोश हो रहे हैं, तो क्या मतदान केंद्रों के बाहर प्रशासन द्वारा कोई व्यवस्थाएं नहीं की गई है जो लोग गर्मी की वजह से बेहोश हो रहे हैं? मुस्कान, मैं आपको बता दूं, एक तो गर्मी के चलते और दूसरी बात लंबी लंबी लाइनें कतारें लगी हुई है लाइनों की, और उसको देखते हुए प्रशासन द्वारा कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं की गई जिससे मतदाताओं को शिक्षा मिले। और अगर आप देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से कि जो महिला मतदान करने आई थी वो एकदम से बेहोश हो गई और उनके नाक से खून आने लगा। अगर उनसे पूछी गई तो उन्होंने बताया गया ना तो कोई पानी की व्यवस्था है, ना कोई इस तरीके की व्यवस्था की गई है कि जिस तरीके से किसी मतदान करने आए बीमार आदमी को कोई सहयोग मिल सके। ठीक है नितेश, हमने तस्वीरों के जरिए ये तो देखा कि जो महिला और जो पुरुष वोटर्स है वो कहीं ना कहीं बेहोश हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि व्हील चेयर की व्यवस्था की जानी चाहिए। तो क्या अभी तक व्हील चेयर की व्यवस्थाएं की गई है या फिर अभी तक व्हील चेयर तक नहीं मौजूद है? मैं आपको बता दूं, ना तो कोई व्हील चेयर की व्यवस्था है और ना ही किसी के लिए कोई पानी की, ना कोई भी इस तरीके की व्यवस्था की गई है जिससे किसी भी मतदाता को कोई भी दिक्कत का सामना करना पड़े, और इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है कि पब्लिक में रोज देखने को मिल रहा है। ठीक है नितेश, ये तो रही लोगों की परेशानियों की बात, लेकिन क्या वोटर लिस्ट से जो नाम गायब होने की खबरें हैं वो तमाम जनपदों से अब खुलकर सामने आ रही हैं? अलीगढ़ में अभी तक कोई ऐसा मामला सामने आया या फर्जी मतदान का कोई मामला सामने आ चुका है अभी तक?
मैं आपको बता दूं लगातार इस तरीके की बूथों पर देखने को मिल रहा है कि लोगों के वोटर लिस्ट से नाम ही गायब है, पूरी पूरी लिस्ट गायब है और इस तरीके को लेकर पब्लिक में रोष नजर आ रहा है। मतदाता जब आ रहे हैं वोट डालने के लिए और उनका वोट नहीं डल रहा, उनका वोट वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है, तो उनमें आक्रोश नजर आ रहा है और बहुत ज्यादा आक्रोशित नजर आ रहे हैं। नितेश, तो हर एक बूथ पर जाहिर सी बात है कि पीठासीन अधिकारी भी मौजूद होगा, तो क्या लोगों की समस्याओं को सुना नहीं जा रहा है या फिर पीठासीन अधिकारी जो है वो सुनकर ही समस्याओं को अनसुना कर रहे हैं बूथों पर? पीठासीन अधिकारी से बात करने पर बताया गया कि उनकी समस्या का कोई भी निवारण नहीं है। वो बोल रहे हैं ऊपर से ही ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जो वोटर लिस्ट से नाम गायब हुए हैं वो ऊपर से ही है, वो कुछ भी नहीं कर सकते। जिसका वोटर लिस्ट में नाम है सिर्फ वो ही वोट डाल सकते हैं, इस तरीके की बात कही जा रही है। नितेश, एक तो 5 साल बाद जनता को यह मौका मिलता है कि वो अपने प्रतिनिधि का चयन करे जो उनके क्षेत्र का विकास करे, ऐसे में अब जब लोगों को ये मौका नहीं मिल पा रहा है तो लोगों में गुस्सा कितना देखने को मिल रहा है? और गुस्से की बात करेंगे तो मतदाताओं में बहुत ज्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा है और मतदाता इस तरीके की बात कह रहे हैं कि ये ऊपर से ही हमारे वोट काटे गए हैं, इस तरीके की बात कही जा रही है मतदाता द्वारा। कि किस तरीके से जो मतदान केंद्र वहां पर कोई भी व्यवस्थाएं नहीं पाई गई है, लेकिन अब 11 बजे का समय हो चुका है, 4 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, तो मतदान केंद्रों के बाहर इतनी अव्यवस्थाएं होने के बावजूद भी लोग मतदान करने कितनी संख्या में पहुंच रहे होंगे? अगर संख्या की बात करेंगे तो लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है, पब्लिक में बहुत ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है और मतदाता बहुत लंबी लंबी कतारों में खड़े हुए हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी है जिनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो वो बहुत निराश होकर जा रहे हैं, और जिसका वोटर लिस्ट में नाम है तो वो लंबी लंबी कतारों में खड़े हुए हैं, लेकिन पानी की, व्हीलचेयर की और किसी भी व्यवस्था का नहीं योगदान किया गया है। यानी कि नितेश, भीषण गर्मी और बढ़े हुए तापमान के बावजूद जो लोग है वो लगातार अपने मत का इस्तेमाल करने पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल, मतदाता अपने घर से निकलकर और मतदान करने पहुंच रहे हैं और बहुत ज्यादा उत्साह है, लेकिन उनको निराश हाथ लग रही है और निराश होकर वो वापस लौट रहे हैं जिसका वोटर लिस्ट में नाम नहीं आया है। ठीक है नितेश, लगातार अभी आपने हमको बताया कि किस तरीके से जो अव्यवस्थाएं हैं वो देखने को मिली है, तो क्या लगभग हर एक मतदान केंद्रों का यही हाल है या तो फिर कोई एक दो छुटपुट मतदान केंद्र से है? नहीं, अगर देखी जाए तो सब मतदान केंद्रों का यही हाल है। सब मतदान केंद्रों का जो वोटर लिस्ट में अगर नाम देखे जाए तो बहुत ज्यादा इस बार नाम ऊपर नीचे हुए हैं और बहुत सारे लोगों के नाम नहीं आए, तो इससे आक्रोश हर बूथ पर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, जाहिर सी बात है आक्रोश दिखना भी लाजमी है क्योंकि 5 साल के बाद जनता को ये मौका मिलता है, तो ऐसे में जो पुलिस है उसके लिए कितना चैलेंजिंग हो रहा है स्थिति को कंट्रोल करना, लोगों को कंट्रोल करना, उनके गुस्से पर काबू पाना? अगर प्रशासन की बात करें तो प्रशासन बहुत सख्त नजर आ रहा है और अगर जिसके नाम नहीं आए उनको एंट्री नहीं दी जा रही है और उनसे ये बात कही जा रही है कि ये ऊपर से ही कमी है, इस तरीके की बात प्रशासन द्वारा कही जा रही है। बिल्कुल, धन्यवाद नितेश हमारे साथ जुड़ते हुए, दर्शकों तक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो कि जनता जो है वो काफी आक्रोशित नजर आई है। दरअसल लोगों का कहना है कि अलीगढ़ में वोटर लिस्ट से लोगों के नाम गायब दिखे, कई कई जो मोहल्ले हैं, कई कई जो क्षेत्र हैं वहां से पूरे पूरे क्षेत्र के लोगों का ही नाम गायब रहा, तो वही अलीगढ़ में जो लगभग हर एक बूथ है वहां पर ना तो पानी की व्यवस्था की गई है और अव्यवस्था ही हर बूथों पर तकरीबन देखने को मिली है। यही वजह है कि जो लोग हैं वो काफी ज्यादा आक्रोशित नजर आ रहे हैं और बढ़े हुए तापमान के बीच जहां जनता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने पहुंच रही है, तो वहीं लोगों को काफी अव्यवस्थाओं का भी सामना करना पड़ रहा है। तो घड़ी पर तकरीबन 11 का समय हो चुका है, यानी कि जो निकाय चुनाव सुबह 7 बजे से शुरू हुए हैं उसमें 4 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है और अब से महज कुछ ही देर में 11 बजे तक के वोटिंग परसेंटेज भी सामने आने लगेंगे कि आखिर जनता कितनी एक्टिव है अपने इस अधिकार को लेकर, क्योंकि लोकतंत्र का महापर्व माना जाता है चुनाव। यही वजह है कि जब भी यूपी में कोई भी चुनाव होता है तो उसे एक पर्व की तरह देखा जाता है क्योंकि जनता अपने मत का इस्तेमाल करती है, और निकाय चुनाव तो और भी अहम हो जाता है क्योंकि इस दौरान जनता को मौका मिलता है अपने क्षेत्र का विकास करने की कमान एक अच्छे प्रत्याशी के हाथ में सौंपने के लिए। तो वही बुलंदशहर से हमारे सहयोगी इकराम हमारे साथ जुड़े हैं। इकराम, तकरीबन 11 बजे तक का वक्त घड़ी में हो चुका है और वोटिंग परसेंटेज भी अब से महज थोड़े ही देर में सामने आ जाएंगे, लेकिन मतदान केंद्रों के बाहर की तस्वीरें आप कैसी देख पा रहे हैं, हमारे दर्शकों को दिखाएं।
तो हमारे सहयोगी से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन हम वापस उनके पास लौटेंगे। तब तक हम आपको बता देंगे प्राइम टीवी सुबह 7 बजे से ही ग्राउंड जीरो पर एक्टिव है और मौजूद रहा, और सटीक और सही जानकारी लगातार प्राइम टीवी की टेलीविजन स्क्रीन पर हम अपने सभी दर्शकों को पहुंचा रहे हैं। वहीं प्राइम टीवी की टेलीविजन स्क्रीन को देख करके आप ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि कहां वोटिंग हो रही है, कितने मंडलों में वोटिंग हो रही है, नतीजे कब आएंगे और कितने जिलों में चुनाव हो रहा है। प्राइम टीवी की टेलीविजन स्क्रीन को देख करके हर एक दर्शक हर एक डिटेल को समझ सकता है। तो वोटिंग परसेंटेज भी आपसे महज थोड़े ही देर में साफ हो जाएंगे, लेकिन दूसरे चरण का निकाय चुनाव काफी दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि पश्चिमी यूपी में कहा जाता है कि सपा की जो पकड़ है वो काफी मजबूत है। यही वजह है कि भाजपा के तमाम दिग्गज नेता, जब चुनाव प्रचार का दौर चल रहा था तो हर एक जनपदों में जनता से संपर्क साधते हुए, डोर टू डोर कैंपेन करते हुए और वहीं विशाल रैलियों को संबोधित करते हुए भी जो भाजपा के दिग्गज नेता है वो प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगने की अपील करते हुए नजर आ रहे थे। तो एक बार फिर से बुलंदशहर से इकराम हमारे साथ जुड़े हैं। इकराम, सवाल मेरा ये है कि अब से महज कुछ ही देर में 11 बजे तक के जो वोटिंग परसेंटेज है वो भी साफ हो जाएगा, लेकिन उससे पहले मतदान केंद्रों के बाहर जो लोगों की भीड़ है वो कैसी देखने को मिल रही है? शहर में नगर निगम चुनाव को लेकर बहुत भीड़ है और बड़े शांतिपूर्ण से चुनाव चल रहा है और डीएम और एसएसपी भी दौरे पे हैं। जी ठीक है इकराम, अलीगढ़ से हमने जो तस्वीरें देखी उसमें ये थी कि जो बूथ है, जो मतदान केंद्र है, वहां पर अव्यवस्थाओं का अंबार देखने को मिला। तो जिस बूथ पर आप मौजूद है वहां पर अव्यवस्थाएं हैं या फिर जो सभी चीजें हैं वो पूरी दुरुस्त पाई गई हैं? जहाँ पर मैं बूथ पे हूँ यहाँ पर सभी चीजें सही पाई गई हैं और पुलिस प्रशासन भी अपने मौजूदगी में सही तरीके से चुनाव करा रहा है। मुस्कान, एक बात मैं आपको बता दूं, अगर बात की जाए तो वोटों में जो है दिक्कत आ रही है लोगों की, वोटों की, जनता की जो वोटों की ये बात आ रही है, किसी पे एक शब्द भी अगर जो नहीं है तो उसको वापसी भेजा जा रहा है। और कितनी वोटें कट चुकी हैं, किसी की 5 गायब है, किसी की 6 वोट गायब है, किसी के घर से 2 वोट गायब है, इस तरीके से जनता की आवाज आ रही है यहाँ। बिल्कुल इकराम, आवाज आना भी बिल्कुल जायज है क्योंकि 5 साल के बाद जनता को ये मौका मिलता है कि वो अपने प्रतिनिधि का चयन करे, तो ऐसे में उनका नाम अगर वोटर लिस्ट से गायब है तो क्या माना जाए कि राज्य निर्वाचन आयोग आधी अधूरी तैयारी से इस चुनाव को करा रहा है? बिल्कुल ये लग रहा है जैसे कि इस तरीके से आवाज आ रही है कि वोट नहीं आ रही है पूरी लिस्ट में, पहले हमारी 5-7 वोट आ रही थी, अब हमारी 2 वोट आए थे, इसलिए तो ऐसी लग रहा है कि चुनाव आयोग की कहीं ना कहीं कमी पाई है। बिल्कुल इकराम, जिस तरीके से जो लगातार है वो लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने पहुंच रहे हैं, तो ऐसे में जो जनता का समर्थन है वो किस पार्टी को ज्यादा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है बुलंदशहर में? मैं आपको बता दूं यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा जो बीजेपी वाले का मामला चल रहा है, एक हमारे यहाँ निर्दलीय है सोयब, हमारे यहाँ कस्बा गुलावटी में सोयब का ज्यादा रुझान चल रहा है। ठीक है, यानी कि कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है बुलंदशहर में। धन्यवाद इकराम हमारे साथ जुड़ते हुए, दर्शकों तक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो आपने देखा कि जो बुलंदशहर की जनता है वो भी लगातार अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रही है। सुबह 7 बजे से जारी वोटिंग शाम को 6 बजे तक चलेगी। यही वजह है कि जो जनता है वो अब अपने घरों से बाहर आ रही है और अपने मत का इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि 5 साल के बाद जनता को ये मौका मिला है कि वो अपने मत का इस्तेमाल करे, अपने क्षेत्र के विकास को एक नई धार और रफ्तार दे। यही वजह है कि लोग घरों से बाहर अब निकल रहे हैं, अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वहीं अगर 2017 के आंकड़ों पर हम गौर करें तो कानपुर, गाजियाबाद, बरेली के साथ अयोध्या ऐसी मेयर की सीटें थी जहां पर भाजपा के प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की थी, लेकिन 2 सीटें ऐसी भी थी जहां पर बीएसपी के प्रत्याशी चुनाव जीते थे। जी हाँ, वो सीट है अलीगढ़ और मेरठ। तो ऐसे में भाजपा के सामने इन दोनों ही सीटों पर एक बड़ी चुनौती हो जाती है, जो है एक तरफ भाजपा इन दोनों ही सीटों को जीतने का प्रयास करेगी तो जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं भाजपा के गढ़ में सेंधमारी करेंगी। तो दूसरे चरण का जो रण है वो लगातार सुबह से जारी है। तो मेरठ से राजन सोनकर हमारे साथ जुड़े हैं। राजन, 4 घंटे से ज्यादा का समय अब बीत चुका है,
ऐसे में चाहे वो अलीगढ़ हो चाहे वो बुलंदशहर हो, हमने अव्यवस्थाएं देखी कि जो मतदान केंद्र वहां पर व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं है, जो मेरठ है वहां की बूथों की तस्वीरें कैसी हैं? बिल्कुल देखिए मुस्कान, मेरठ की बात करें तो मेरठ में दूसरे चरण का चुनाव जो है मतदान जो है शुरू हो गया है और यहाँ पर व्यवस्था की आपने बात करी है तो मेरठ में बिल्कुल व्यवस्था चाक चौबंद है, पुलिस बिल्कुल तैनात है, हर तरीके से चेकिंग की जा रही है। आप देखिए तस्वीरों में कि महिलाएं महिलाओं से चेक पूछताछ कर रही हैं, आईडी चेक हो रही है, मोबाइल की बातचीत की जा रही है कि मोबाइल किसी भी तरीके से अंदर नहीं ले जाया जाएगा और उनकी आईडी की जाँच की जा रही है, उसके बाद ही इन्हें अंदर प्रवेश करने दिया जा रहा है। वहीं मैं अगर पूरे इलाके की बात करूं तो पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है और आप ये देख सकते हैं कि लाइन यहाँ अभी कुछ ही देर पहले लाइन बहुत भीड़ बहुत ज्यादा थी, लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या निकल के आई है वो यहाँ पर समस्या ये निकल के आई है कि लोगों के लिस्ट में से नाम गायब है, पहले उनके वोट बने थे अब इस बार वोट नहीं बने हैं, इसको लेकर काफी नाराजगी देखने को मिल रही है और ये कमियां बिल्कुल सीधे सीधे बीएलओ की मानी जाती है कि बीएलओ लोगों से वन टू वन डोर टू डोर जाके कन्वेंशन नहीं करता है, उनसे बातचीत नहीं करता है कि आखिर कितने लोगों का सूची में नाम है या नहीं है, उन लोगों की बनाने की जो जिम्मेदारी वो बीएलओ की होती है, तो बीएलओ की बिल्कुल यहाँ पर लापरवाही नजर आ रही है क्योंकि काफी लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। वहीं सुरक्षा की बात करूं तो आप सुरक्षा में देख सकते हैं कि सुबह 7 बजे से पहले ही पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी पर तैनात है और हर तरीके से चेकिंग की जा रही है। ये यहाँ पर मतदान केंद्र बने हुए हैं अलग अलग और यहाँ पर मतदान हो रहे हैं। फिलहाल मेरठ की बात करूं तो मेरठ में ईवीएम मशीन खराब होने का जो मामला सामने आया था उसको लेकर अधिकारियों ने तत्काल मशीन को बदलवा दिया है, लोगों को थोड़ी सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन मेरठ में अब फिलहाल 9% मतदान प्रशासन की तरफ से सूची में उपलब्ध करा दिया गया है। जी मुस्कान, ठीक है। राजन, अभी आपने जिक्र किया कि जो वोटर लिस्ट है कई वोटर्स के नाम गायब है, ऐसी खबर सिर्फ मेरठ से ही नहीं अलीगढ़ से भी सामने आई, बुलंदशहर से भी सामने आई, लेकिन जो लोगों का गुस्सा है वो काफी देखने को मिल रहा है, क्या मेरठ में भी लोगों का आक्रोश दिखा है आपको? बिल्कुल, मेरठ में बात की जाए जो बस्तर जो काउंटर बने हुए हैं जहां से लोग अपनी अपनी लिस्ट देख रहे हैं, अपने नाम देख रहे हैं सूचियों में, उनको काफी नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है कि उनके नाम लिस्ट में से गायब कर दिए गए हैं क्योंकि विधानसभा जब चुनाव हुए थे तो उसमें अलग सूची जारी की गई थी और इस बार जो नगर निकाय चुनाव हो रहे हैं इसमें अलग तरीके की सूची जारी की गई है, उसमें कई लोगों के नाम शामिल नहीं है जिसको लेकर काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। यहाँ पर कई लोग भी ऐसे मिले जो 18+ हुए जिनका पहला ये वोटिंग था लेकिन वो भी वोट नहीं डाल पाए, उनका सूची में ही नाम नहीं है, तो इस बात को देखकर ये साफ जाहिर होता है कि बीएलओ की कमियां, बीएलओ की लापरवाही से इस पूरे इलाके में और पूरे जनपद में ये कमियां नजर आई हैं कि लिस्ट में लोगों के नाम काट दिए गए और ऐसे लापरवाही बीएलओ पर सख्त कार्रवाई प्रशासन को करनी चाहिए, जिलाधिकारी दीपक मीणा को इस मामले पर जो है कार्रवाई करनी चाहिए कि लिस्ट में आखिर उन लोगों के नाम किस कारण से काट दिए, घर घर जाकर क्यों नहीं कैंप लगाए गए, गली मोहल्लों में कैंप क्यों नहीं लगाए गए और जिन लोगों के नाम नहीं थे उन लोगों के नाम इस सूची में चढ़ा देने चाहिए थे। जी ठीक है। राजन, अभी आपने जिक्र किया कि कहीं ना कहीं एक बीएलओ की बेहद ही बड़ी लापरवाही है कि जो वोटर लिस्ट से कई लोगों के नाम भी नदारद रहे हैं। अभी आपने जिक्र किया कि कई वोटर्स ऐसे थे जिनको पहली बार अपना वोट डालना था, जिनकी उम्र जो है वो 18 से ऊपर हो गई थी, लेकिन कई वोटर्स ऐसे भी होंगे जो पहली बार अपना वोट डाले होंगे, तो जो 18 साल से ऊपर के जो लोग हैं जिन्होंने पहली बार अपने मत का इस्तेमाल किया है, उन्होंने क्या कुछ सोचकर अपने वोट का इस्तेमाल किया और वो कितने खुश नजर आए? बिल्कुल, उनका कहना यही है कि हमें ये अवसर प्राप्त हुआ है क्योंकि हम 18 साल से ऊपर हुए हैं, जिन 2-4 से लोगों से हमारी बात हुई उनका ये कहना हमें एक अच्छा प्रतिनिधि चुनना है जो क्षेत्र का विकास कर सके क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने चारों तरफ सड़कों का जाल बिछा दिया, तो वहीं गली मोहल्ले की बात की जाए तो गली मोहल्ले की सड़कें आज भी मरम्मत मांग रही है, अपने इलाज के लिए तरस रही है, वो प्रदेश सरकार की जो नीतियां हैं उस पर सवाल खड़े करते हैं क्योंकि अब जो प्रतिनिधि चुन रहे हैं, जो युवा आज की तारीख में प्रतिनिधि चुन रहे हैं, वो यही सोच के चुन रहे हैं कि गली मोहल्ले से जो निकलने वाले रास्ते हैं वो बिल्कुल सही होने चाहिए, हमारे विकास कार्य तेजी से होने चाहिए, जो नालियां चौक है वो नालियां किसी प्रकार की चौक न रहे और व्यवस्थाएं बिल्कुल दुरुस्त। जी ठीक है। राजन, बेहद दिलचस्प हो जाता है कि आखिर मेरठ में निकाय चुनाव का बादशाह कौन होगा, यानी कि मेरठ का मेयर कौन होगा, और लगातार आप जमीनी स्तर पर काफी एक्टिव रहे हैं क्योंकि नगर संग्राम के खास पेशकश में भी लगातार आप लोगों से बातचीत करते हुए दिखाई दिए, तो क्या लगता है कि जो वहां की जनता है वो इस बार जीत का ताज किसको पहनाएगी? वोट डालने आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? जो वोट डालने अभी तक नहीं आए उनसे क्या अपील करेंगे? वोट डालने आए थे, क्या चाहते हैं, किस लिए वोट दे रहे हैं? बिल्कुल 85 उम्र के लगभग है, 95 उम्र है और उनका यही कहना है कि विकास को देखते हुए, विकास देश का विकास हो, क्षेत्र का विकास हो, इसीलिए वो मतदान करने आए हैं
और ऐसे में देखना है कि 13 तारीख को जो रिपोर्ट कार्ड आता है, जो रिजल्ट आता है, उसमें आखिर क्या निकल कर आता है और उसके बाद में जो कैंडिडेट है, जो जनप्रतिनिधि बनेंगे, आखिर वो कितना विकास कर पाएंगे, ये भी देखने वाली बात है। बिल्कुल राजन, धन्यवाद पल पल के अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि आप लगातार सुबह 7 बजे से ही मतदान केंद्र के बाहर मौजूद और हमारे दर्शकों तक सीधी और सटीक जानकारी मेरठ से हमारे दर्शकों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो आपने देखा कि निकाय चुनाव के लिए सुबह से ही मतदान जारी है और वही अगर मेरठ की बात करें तो सुनीता वर्मा बीएसपी से प्रत्याशी थी, लेकिन इस बार जो जनता का गुस्सा है वो इनके खिलाफ देखने को मिला है, क्योंकि जनता का ये मानना है कि जो मेयर प्रत्याशी सुनीता वर्मा है वो लोगों के बीच नहीं पहुंची है। के वोटिंग परसेंटेज भी अब सामने आ चुके हैं, क्योंकि मैंने पहले भी जिक्र किया था कि अब से महज कुछ ही देर में वोटिंग के परसेंटेज भी सामने आने लग जाएंगे। तो 7 बजे से शुरू हुए निकाय चुनाव के लिए वोटिंग परसेंटेज अब 11 बजे का सामने आ चुका है। तो भदोही में 11 बजे तक 23% ही वोटिंग हुई है। तो एक बार हमारे सहयोगी कान